मजेदार सवाल पूछने आप लोगों ने ऑडियंस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि आप लोग पब्लिक पब्लिक फिगर्स को पब्लिक बनाती है और हम चाहते हैं आप हमें अपना वक्त दे रहे तो हम भी आप लोगों के लिए कुछ करें तो आज आप में से जो सबसे अच्छा सवाल पूछेगा सबसे अच्छा उसको यशवा जी का फोन मिलेगा oh

यस आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू यशमा आपने एक पिक्चर पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे जिसपे आपकी ड्रेसिंग पे आपको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था

जो ड्रामा है तेरे इश्क के नाम उसमें रुतबा किसी लड़के से प्यार करती हैं और आप उनसे जेलिस हैं मैं रुतबा से हूँ जी हाँ जी तो सवाल ये है कि आप रियल लाइफ में भी किसी से जेलिस हैं और या आपको आपका प्यार मिल गया है ओह हो प्यार प्यार हुआ भी नहीं इसलिए मिला भी नहीं और नहीं आई थिंक uh, मैं सिर्फ अपने आप से ही कंपटीशन रखती हूँ आपको अपनी आप से ही uh, मतलब अकल आप क्या करे थे उससे भीतर आपको वो आज का वर्जन होना वो चाहिए वो अपना किसी और की टांग खींचोगे तो उसी में बिज़ी हो जाओगे अपने आप को नहीं ऊपर कर पाओगे तो so, साइकोलॉजी <laughs> <laughs> so, की क्लास देते हुए यशमा गिल आ, अभी बच्चों को समझा कर बैठी हैं कि प्यार मोहब्बत धोखा है पढ़ ले बेटा यही मौका है जी मेरा सवाल है आपसे वो आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें दो टके की मर्द हमारे पीछे दो टके के नहीं रहते यार ये, ये मैंने जवाब दिया था सिर्फ ये सवाल आप वैसे तो सवाल <laughs> भी पूछो क्या है तुम्हारा हीरो तो आपने हुमायूं सईद को कहा था की खलीलुर इन दोनों में से किसी को भी नहीं कहा था मैंने काफी जब ये आया था डायलॉग तो लड़के काफी ये बात करना शुरू हो गए थे कि दो टके की औरत दो टके की औरत इस तरह की मतलब हर जगह स्टेटसेस लग रहे थे चीजें लग रही थी तो मैं उससे थोड़ा सा ऑफेंड हो गई थी लेकिन ये मैंने अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा तो मैंने बहुत ही एक मजाक वाले आप तरीके आप खुल के बोले नहीं नहीं, नहीं बहुत ही मजाक वाले तरीके में ऐसे उन्होंने बोला था कि इसका मतलब रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए तो मैंने ऐसे ही मैंने बोल दिया मैंने कहा चलो अगर एक शेर से शेर बनाना है तो वो मैं ये बना लेती हूँ कि ये दो टके हमें दो टके के बोलने वाले मर्द हमारे पीछे दो टके के भी नहीं रहते तो मतलब हम फिर भी एक टक्का ऊपर हो गए होगी you know? <laughs> ताली ठीक है ब्रदर बैठ जो टेक ऑफ करना है तुमने शायरी काफी शायरी का शौक रखती है नहीं रखती तो नहीं हूँ <laughs> नहीं रखती लेकिन कभी कभी पकड़ लेती हूँ यूर वेरी इंटेलिजेंट कोई शेर सुनाए ना फिर <laughs> हाँ शेर सुनो <laughs> शेर आने लगा सवाल से पहले ओके okay, एक ही आते हैं मुझे जो मैं सुनाती रहती हूँ ओके सो इट इज़ वेरी ये उनके लिए है जो यहाँ पे इश्क करके बैठे हुए हैं देख के रखना मेरे दिल की सल्तनत में कदम देख के रखना मेरे दिल की सल्तनत में कदम हमारी इश्क जुर्मे जमानत नहीं होती जी आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर अस्सलाम वालेकुम सलाम ठीक है क्या क्या हाल चाल है आपका <laughs>

और उसने कहा और 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 <laughs> 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 मैं इसका जवाब ये वाला इंसिडेंट नहीं हुआ बट uh, ये है कि uh, uh, मतलब हमें कॉल्स uh, आ जाती जा थी इस तरह की आई रिमेम्बर राघव को इंटरव्यू कर रही थी मेरा एक शो होता था यो, ये रागफ इंडियन हाँ यो यशमा के नाम से शो होता था तो स्काइप पे हम लेते आ, सुन थे लो ना आप जवाब एक सेकंड पे हम लेते थे बाहर के आर्टिस्ट वगैरह को तो उनके साथ हो रहा था तो उन्होंने ना उनका गाना था ना एंजल आईज़ तो उसमें उन्होंने गा दिया आ, इस था कि यशमा आय जिस तरह करके उन्होंने कुछ उसका गाया तो एक लड़की कॉल आई रोते हुए शो में

तो मैंने ऐसे थ्री मंथ्स के लिए माय फ्रेंड है तो भाग गई थी तो उन्होंने कहा कि यार आप करेंगी मैंने कहा कर तो हाँ, के लिए, लिए लिखी होती है वो एक्सीडेंटली आती, आती है नहीं नहीं ये बात तो आपकी ठीक है लेकिन आप देखिए माशा कितनी तरक्की की इंसानों ने मेडिकल फील्ड में कहाँ से कहा हम चले गए हेड ट्रांसप्लांट की बात अब हो रही है आईटी में वेब थ्री हम आ गए हैं वेब से ब्लॉकचेन में आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया पूरी हमारी चेंज कर दी फिलॉसफी में हमने कितना एक्सप्लोर कर लिया इटालियन फिलोसफर्स को कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें हमने एक्सेल ना किया हो लोग वक्त के साथ आगे गए हैं उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है ये अभी तीन सौ साल पुराने और 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 में व्यक् हुआ है बंदा वाली कैसे क्वेश्चन नहीं है लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे भाई कि आप मेरे हालात को ठीक नहीं होता